भाई कहती है, संतोषवा लुच्चा लफंगा बन के घूमते रहता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, एक बार भी नहीं सोचता घर के बारे में। अरे पढ़ाई लिखाई करके कब हुआ हम छोटका लोग के भला है? गांव के स्कूल में बड़का घर के लड़का लोग हम छोटका जात के लोग की बेइज्जती करता है, ये कपड़ा लत्ता पे हंसता है, बोली भाषा का भी मजाक उड़ाता है, ये सब सहने के लिए स्कूल कॉलेज जाएंगे हम जैसा लोग है? सच बात तो ये है कि पैसा के बल पर ही बड़का लोग हर जगह हथियार के बैठे हुए हैं, हम जैसे लोगों झुनझुन्ना ही पकड़ाती है सरकार। हमारा तो खून खौलता ही हवेली वाले लोगों को देख, ये लोग ना पेट भर खाने देंगे ना इज्जत से रहने देंगे, इनका बस चले ना तो हमको भी अपनी दुआरी की चटाई बनाकर बिछा लें, छोड़ेंगे नहीं लोग। आज भी झूलन का चेहरा हमारे आंखों के सामने नाच उठता है, मन तो करता है कि हवेली के चारों तरफ पेट्रोल गिराकर आग लगा दे, जर मरे सारे के सारे। भाई और तापसी का चेहरा देख के चुप बैठे हुए हैं, हम जिए न जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भालू प्रताप के सिंगा तान के चलते हुए देखते हैं ना आग लग जाती है हमारे अंदर। कि ठाकुर खानदान की बर्बादी नहीं देख लेते तब तक हमारे कलेजा को ठंडक नहीं मिलेगी। बस एक बार बाबूजी हरी झंडी दे दे, सबको दुरुस्त कर देंगे।